गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने फोर्थ यूनिट में लर्निंग एंड पर्सनालिटी पढ़ी थी। लर्निंग के मैंने कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको दिए थे करने के लिए, आई होप सभी ने किए होंगे। और अब हम लोगों ने पर्सनालिटी पढ़ी, तो पर्सनालिटी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व करना है, या आपके सेल्फ असेसमेंट पे हैं, या आप चेक करा सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो किसी क्वेश्चन से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। तो पर्सनालिटी, पहला क्वेश्चन है, पर्सनालिटी शब्द किस भाषा से निर्मित है? जिस भाषा से निर्मित है उसका क्या एक्चुअल मीनिंग, किस भाषा से निर्मित है, क्या कौन सा शब्द है, किस शब्द से निर्मित है? ठीक है, वो थोड़ा सा गलत हो गया है। इसमें पैरासोना, परसोना, पेयरसोना एंड पेरियासोना, ये चार शब्द हैं। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया? आपको साइकोलॉजिस्ट का नाम लिखना है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया। पहला नाम है लियोपोल्ड, दूसरा ऑलपोर्ट, तीसरा मैकडोबल, चौथा मॉर्गन व मुरे। ओके, ये मैंने आपको पढ़ाया है अभी कल ही परसों में। टेट टी थिगमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जिसको कहते हैं, इसको प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं। इसमें कुल कितने कार्ड प्रयुक्त किए जाते हैं, इस टेस्ट में कितने कार्ड बनते हैं, 10, 20, 30 या 60? नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण जो कि CAT चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, ये इसका प्रतिपादन किसने किया या इसको किसने दिया? तो ये हैं, पहला हरमन रोरशा, लियोपोल्ड बैलेक, मैकडोगल और ऑलपोल्ट। ये आपके हरमन रोरशा, लियोपोल्ड बैलेक, मैकडोगल और ऑलपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया, इंगब्लॉट टेस्ट जिसको कहते हैं, किसने दिया था, मैकडोगल ने, मॉर्गन ने, हरमन रोरशा ने या टेल्डर ने? ये चार मनोवैज्ञानिक हैं जिनमें से किसने स्याही धब्बा परीक्षण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है, 10 कार्डों का, 15, 20 या 30? ये भी हमने आपको कर पढ़ाया था, तो रिकॉल करिएगा अपना जो भी आपने लर्निंग की है और उसी के बेस पे आपको आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन किन विधियों में से होता है, प्रक्षेपी विधियों से, अप्रक्षेपी विधियों से, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी दोनों विधियों से, और इनमें से कोई नहीं चौथा। नेक्स्ट है, कैटल के व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली में कितने कारक होते हैं, जो कैटल ने व्यक्तित्व की प्रश्नावली बनाई उसमें कितने फैक्टर्स होते हैं, 8 कारक, 14 कारक, 10 कारक या 16 कारक, 16 फैक्टर, 4 फैक्टर, 8 फैक्टर और 10 फैक्टर? वर्तमान में सर्वोत्तम माने जाने वाला व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसकी देन है, जो सबसे अच्छा व्यक्तित्व का वर्गीकरण है वो किसकी देन है? जो कि मैंने पढ़ाया था कि बहुत सारे व्यक्तित्व को कई सारे भागों में बांटा गया, लेकिन कौन सा वर्गीकरण है जिसको बहुत माना जाता है, जिसमें आपने पढ़ा था इंट्रोवर्ड, एक्सट्रोवर्ड, है ना, इस टाइप का, तो याद करिएगा, ऑलपोर्ट, कैटल, जुंग और या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, पहला है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण, तीसरा है उपरोक्त दोनों, यानी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, और चौथा है कि दोनों में से कोई प्रभावित नहीं करता। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो आपको पर्सनालिटी बेस पे थे और आपको करने हैं। आपको अपनी लर्निंग चेकआउट करनी है कि आपने व्यक्तित्व में कितना सीखा। व्यक्तित्व यानी जो आपकी पर्सनालिटी का चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड पेपर आज फिनिश हो गया। कल से हम लोग जो भी वीडियो पे बात करेंगे वो हमारी फर्स्ट पेपर पे होगी। ओके, थैंक यू क्लास।